नमस्कार दोस्तों, डिजायर पर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ कि जो अभिनेता से नेता बने, नेता से अभिनेता तो बहुत बने हैं, लेकिन अभिनेता से नेता बनने का जो सफर है, 25 से 30 टॉप मोस्ट मूवीज जिन्होंने की हैं, और राजनीति के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखने वाले मुकेश त्यागी जी, जो अपने नाम के साथ साथ उनकी एक शख्सियत अलग से आपको दिखाई देती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जो है उन्होंने काम किया है, बॉलीवुड के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि अभिनेता से नेता बनने के बाद और उनकी घर वापसी, वो भी एक आइडियोलॉजी के साथ, मोदी जी के साथ, किस तरीके से उन्होंने ये सोचकर और वापस वो बीजेपी के अंदर आए हैं। बीजेपी में हम उनका स्वागत करते हैं, अपने चैनल में हम उनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और डिजायर चैनल में आपने मुझे मौका दिया और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और कि आपने मेरा ये खैर मकदम किया, मेरा स्वागत किया एज ए बीजेपी पर्सन। जी हाँ, मेरी ये जर्नी, वैसे तो मैं कॉर्पोरेट रहा हूँ, मैं बाहर यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, जेएनयू में छात्र नेता रह चुका हूँ, लॉयर हूँ, और मैं शायद वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओस था इन द वर्ल्ड इन इंडिया। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये फिल्म भी कर ली, तमाम काम कर लिए, लेकिन मैं जब से मोदी जी आए, उससे पहले मेरा बहुत राजनीतिक संपर्क रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से रहा है। मैंने अपनी तमाम स्पीचेस में मैं बोलता आया हूँ, मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत की केंद्रीय सत्ता में आए, मैं उनका पहले भी फैन था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल की स्थापना की जो कि वर्ल्ड में एक बेंच मार्क बना, मैं तब से उनका कायल। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं समझ रहा था कि ये व्यक्ति एक एक अनहोनी गिफ्ट है हिंदुस्तान। वो कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, तो जब भी कुछ ग्लानिः भवति है तो एक एक ऊपर से अवतार अवतरित होता है व्यक्ति जो इस देश को तमाम समस्याओं से उठाने की क्षमता रखता है। तो मोदी जी के अंदर मैंने देखा, उनके अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड अनपैरेलल स्टैमिना है, वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, उनकी स्मृति जो है वो कमाल की है। अच्छा, जिस व्यक्ति के ना कोई आगे है ना पीछे, उस व्यक्ति के सिर्फ चारों तरफ भारतवर्ष, आगे भी भारत, पीछे भी भारत, बाएं भी भारत, दाएं भी भारत, और मुझे लगता है वो 24 घंटे स्लीप ईट ड्रिंक ओनली इंडिया। तो उन जिस व्यक्ति का संकल्प और सपना इस देश को महाशक्ति बनाने का, उस व्यक्ति के लिए मैं अगर जोड़ करके कुछ योगदान कर सकता हूँ, तो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी जिसके नरेंद्र मोदी जी ने कमांड संभाल रखी है, अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत ही डायनेमिक इंसान है, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यूपीए सरकार 2004 में वो सरकार रही और 2014 तक उन्होंने राज्य किया, कितने स्कैम क्रिएट हुए, 2G स्कैम, होल स्कैम, आप स्कैम के नाम ले लीजिए, स्कैम ही स्कैम, NPS कितने बढ़े उस दौरान, कितनी, और करप्शन तो मतलब मुझे लगता है बहुमुखी करप्शन था, हर तरीके से करप्शन, तो कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो नहीं सकता। 2014 के बाद एक ऐसा अंकुश लगा है कि NDA सरकार में किसी मंत्री के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हिंदुस्तान जो भ्रष्टाचार का मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, वहां पर सडनली भ्रष्टाचार को रोक लग गई, थाम लग गई, ये किसका योगदान है, कि मोदी जी का। आज सबके दिल में भय है कि अगर पकड़े गए तो मोदी जी छोड़ेंगे, तो ये भय जो है अब इस देश की समृद्धि कहाँ ले जा सकता है इसका अंदाजा। तो तभी मैं चाहता हूँ कि मोदी जी, मैं तो चाहता हूँ जीवन पर्यंत यहाँ भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो स्वार्थ नहीं होता, और अगर स्वार्थ होता तो परिवार, अब देखिए आप परिवारवाद देखिए, अपना मतलब परिवार के लिए जो कुछ भी करने होते जाते, तो ये मुझे लगता है हमारे देश के लिए बहुत सुनहरा मौका है, हमें मोदी जी को हर हालत में स्थापित करना है। मुकेश जी, अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि बॉलीवुड का हमेशा जो है राजनीति से नाता रहा है, तो मैं आज आपसे एक अभिनेता के नाते में पूछता हूँ कि बॉलीवुड
जब राजनीति के अंदर आता है तो उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, वो किस नजरिए से राजनीति में आना चाहता है, क्या वो अपने माइंड को जो जितनी मेहनत वो वहां करते हैं क्या वो इतनी मेहनत राजनीति में भी कर पाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक अभिनेता को मेहनत तो करनी पड़ती है, नहीं तो आप अभिनेता बन नहीं सकते। बड़ा कम्पिटिटिव वर्क है और उसके अंदर आपके इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, आपको एक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। अच्छा एक्टर संवेदनशील भी होता है, तो हम सब लोग बड़े संवेदनशील हो और भारत में अगर कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम सब लोगों को उतनी आहत पहुंचती है जो किसी भी कॉन्शियस आदमी को पहुंचती है। अब जहां तक सवाल ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि अभी हाल में ही जयप्रदा जी के ऊपर आजम खान ने बड़ी भद्दी टिप्पणी करी, मैं तो लेकिन बॉलीवुड की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। जी शर्मा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉलीवुड की तरफ से एकदम जैसे सन्नाटा चल गया, इट्स अ डेफिनिंग साइलेंस, एक वर्ड नहीं निकल के आ रहा है। अभी मोदी जी के खिलाफ 60 लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि मोदी जी ठीक नहीं है, ये नहीं है। अरे अभी कहां चुप हो गई वो महिलाएं, कहां चुप हो गई? आज आप देखिए नफीसा अली, नंदिता दास जो बढ़ चढ़ करके मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, एकदम चुप्पी लगा के बैठी। महिला के ऊपर आक्रमण हुआ है, उनके प्रहार हुआ है, उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ है और खुलेआम खिलवाड़ हुआ है और सबके सब चुप लगा के बैठी हुई है। सोनिया जी चुप लगा के बैठी है, मायावती एक महिला है वो चुप लगा के बैठी है। मैं ये पूछता हूं क्या आपके लिए वोट पॉलिटिक्स आपका आपका ईमान बन गया है? आप एक महिला के ऊपर, आपके ऊपर कल समाजवादी में जब मुलायम सिंह जी के साथ आपका तकरार हुआ था आप कितना रोई थी, जब आपके गेस्ट हाउस के अंदर आपको घेर लिया गया था चारों तरफ से, तब आपकी आवाज और चिंकारी निकली। आज किसी महिला पर प्रहार हो रहा है ये मत भूलिए, आज आप उनको उन पे चुप बैठी है, आप पे कल आप पे भी टीका टिप्पणी आजम खान कर सकता है। ये वो दरिंदा इंसान है जो किसी भी औरत को या किसी भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन है क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी का भी बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहा है, लेकिन जया बच्चन, डिंपल यादव, ये सब लेडी, मायावती, ये सब चुप हैं। कोई भी बॉलीवुड के अंदर से अगर आज जयाप्रदा की इमेज अच्छी नहीं है या मायावती की इमेज अच्छी नहीं है तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव में कहीं तो खड़े होंगे, लेकिन बॉलीवुड कंप्लीटली साइलेंट है। ये बहुत दुर्भाग्य है और मैं बॉलीवुड को देखता हूँ कि बॉलीवुड बहुत सिलेक्टिव आइडियोलॉजिकल आवाज उठाता है, वो अपने निहित इंटरेस्ट को देखते हैं। उनको कहीं ये लग रहा है कि मोदी जी का वर्चस्व जो है, उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं जहाँ पे फॉरेन से रेमिटेंस आता है और उनके रेमिटेंस पे रोक लग गई है, बहुत करप्शन चल रहा था उस पे रोक लग गई है, इनके नाते बाहर के देशों से ज़्यादा हैं, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से कम है। ये लोग देखा जाए तो एक बड़े रिफाइंड ट्रेडर्स हैं जो देश की प्रगति के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो भी बुद्धिजीवी बनकर। मुझे अफसोस ये होता है कि अगर कोई सड़क का आदमी, बेपढ़ा आदमी टिप्पणी करता है तो मैं उसकी टिप्पणी को दिल से लेता हूँ कि उसके पास जरूर कोई जज्बा है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जब ये डबल स्टैंडर्ड छोड़िए मल्टीपल स्टैंडर्ड हैं इनके, ये किसी मौके पर चुप हो जाते हैं और किसी मौके पर ये जो है एकदम इनका इनका विराट रूप दिखाई देता है, मोदी जी ये नहीं है और ये ना तो सेकुलर है, ये सूडो सेकुलर है, ना इनका किसी कम्युनिटी से प्यार है, ये सिर्फ देश को डिवाइड करने में, देयर इज अ फुल डिजाइन फॉर बॉल्कनाइजिंग दिस कंट्री एंड आई नो इट फॉर श्योर। दीज इंटेलेक्चुअल्स आर क्रिएटिंग अर्बन नेक्सस, दे आर द वन हु आर डिसइंटीग्रेटिंग, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान एनीवे, व्हाटएवर जो लश्करे तोयबा या जो और भी तमाम टेररिस्ट ग्रुप है, हिंदुस्तान के अंदर ये जो लोग इस बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है उनसे हमें ज्यादा डरने की, क्योंकि हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो ये लोग आज चुप बैठे हुए हैं, एक महिला के ऊपर प्रहार हुआ, अच्छा फिल्म फ्रेटर्निटी की है वो, चलिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जयप्रदा कम्स फ्रॉम बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, तो आपका बॉलीवुड होने के नाते ये जितनी भी महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में है सब चुप लगा के बैठी हुई है, मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे खुल के बोलिए, और ये आज इन पर हो रहा है कल आप पे प्रहार होगा, आपकी चुप्पी जो है आप ही को कल विक्टिमाइज करेगी। तो ये इस बात को समझ नहीं, इनका बचकाना या जबरदस्ती, ये सोच समझ इनकी रणनीति है मोदी जी को, मोदी जी के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, अब क्योंकि जयप्रदा जी बीजेपी में आ गई हैं तो इनके सुर बदल गए हैं, कल सपा में रहती तो जय भादुड़ी जी सबसे पहले आकर के इस बारे में कंडेम करती। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरे मापदंड जो है, ये देश को खा जाएंगे। तो मैं शर्मा जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बॉलीवुड के लोग आज
एक चुपला करके जैसे स्टैच्यू होते हैं मौन व्रत धारण करके बैठे हुए, वैसे जब मौका आता है तो खूब बोलते हैं। मुकेश जी, अब आज आप नेता हैं, आज अभिनेता के बारे में भी आपने मुझे बताया बहुत अच्छे तरीके से कि बॉलीवुड आज अगर उनके लिए नहीं खड़ा है तो कल ये प्रॉब्लम उनके लिए भी आएगी, क्योंकि जिस आदमी की मानसिकता खराब है वो मानसिकता एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होती, ये उसके आप ब्लड से देख लीजिए, ब्लड से अगर उसकी मानसिकता खराब है तो बेटे की भी मानसिकता खराब है, दोनों वो है। आप यूपी को देख रहे हैं, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे देखा है कि आपने जया जी ने और अमर सिंह जी ने एक साथ स्टेज शेयर किया है, आप क्या कहते हैं कि जया जी के बारे में, आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं, रामपुर की जनता से किस तरीके से आप उनसे कहेंगे कि वो उनको जिता के लेके आए? देखिए, जया जी के लिए मेरा बहुत सम्मान है और मैं जया जी को इस दृष्टि से, मैं उनका सम्मान मेरे लिए ज्यादा है, वो चाहती तो राज्यसभा में भी प्रवेश कर सकती, हर पार्टी उनका स्वागत करती है। वो साउथ की हैं, साउथ से आकर के उन्होंने नॉर्थन इंडिया में, वो भी मेरा जहाँ का, मेरा मूल निवासी उत्तर प्रदेश का ही हूँ और मेरी उत्तर प्रदेश में ही तालीम हुई है, सुल्तानपुर, काशीपुर, मेरठ, तो मैं पूरे पैन यूपी से वाकफियत है मेरी। उन्होंने वहाँ अपना छोड़ करके, जबकि उनका वहाँ वर्चस्व बहुत ज़्यादा, तेलुगु उन्होंने फिल्म सुपरहिट फिल्म दी है, और वो यहाँ पर आई है, एक तो सबसे पहले वो स्वागत योग्य वो ही, दूसरा ये है कि उन्होंने राज्यसभा का रूप छोड़ करके लोकसभा का रास्ता पकड़ा। लोकसभा का रास्ता मतलब जो सबसे बड़ा न्यायालय है पूरे डेमोक्रेसी का, सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है, वो लोकसभा में, वो भी रामपुर में लड़ने आई है, तो और रामपुर में वो जीती भी है, उन्होंने काम किया है रामपुर की जनता, उन्होंने दिखावा नहीं किया, उन्होंने समाज को तकसीम नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम उन्होंने हाथ पकड़ के काम नहीं किया है, वो रामपुर की जनता को एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी समझते हैं और सभी का उत्थान में, सारी कम्युनिटीज का उत्थान है। तो मैं समझता हूँ जयाप्रदा जी एक पढ़ी लिखी हैं, बहुत मेच्योर वुमेन हैं, काम करने का उनका जज्बा है, और वो उनके जो मैंने उनसे कई बार बातचीत भी करी, तो उनके जो एक उनकी जो थिंकिंग है वो बड़ी एक राष्ट्रीयता से भरी पड़ी थिंकिंग, तो ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं रामपुर की जनता, कहाँ बेखाबे में पड़ रहे हैं, जो आदमी खुलेआम जहर उगल रहा है, अगर आज वो जय जी के खिलाफ बोल सकता है तो कल वो आपके भी खिलाफ बोल सकता है, तो जो जहरीला सांप होता है वो हमेशा डंक मारेगा, तो मैं समझता हूँ कि आजम खान एक जहरीला सांप है, इसकी मीठी मीठी बातों में या इसकी भड़काऊ बातों में अगर आप आएंगे तो आप अपना ही नुकसान। एक क्वेश्चन मेरा और है मुकेश जी आपसे, क्योंकि आप यूपी से हो और जो लैंग्वेज हमारे एक सिविल सर्वेंट के लिए जो है उन्होंने यूज करी है आजम खान जी ने, कि एक वक्त था जब मायावती जी के जो है ये लोग रुमाल से जूते पॉलिश करते थे, और अब हमारा गठबंधन है और इस गठबंधन में अगर दोबारा हमारी सरकार आती है तो हम इन नौकरशाहों से अपने दोबारा से जूते पॉलिश कराएंगे मैडम के लिए, तो क्या ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट है? देखिए, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए जाने जाते हैं, आज तक कभी भी आजम खान ने एक भी जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया, उनके हर स्पीचेस में आप कोई भी स्पीच उठा के देख लीजिए, सबसे बड़े तो ये महिलाओं की इज्जत कुछ करते ही नहीं, अब ये जूते वाला बोला है कि हर, उन्होंने थ्रेट किया है सारे ब्यूरोक्रेट्स को, और थ्रेट करने के पीछे रीजन क्या है कि देखो हम चुनाव में जीतने वाले हैं तो तुम जो है अभी हमारे सपोर्ट करना शुरू कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जब आएंगे तो जैसे मायावती जी ने जूते साफ करवाए थे वो हम भी आपके जूते, तो डेमोक्रेसी में ऐसा बयान, और इलेक्शन कमीशन को सुन रहा है, जयाप्रदा को नचनिया बोल रहा है ये आदमी, मतलब, और मुझे तो लगता है कि ही शुड बी परमानेंटली बैंड, रादर फॉरगेट अबाउट बैनिंग, ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर ट्रीजन, ये देश विरोधी वक्तव्य देते हैं, ये महिला विरोधी वक्तव्य देते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को डरा रहे हैं कि आप मेरे जूते साफ करेंगे, ये कहाँ की ये डेमोक्रेसी है भाई, और कहाँ इलेक्शन कमीशन, मुझे याद है सेशन जब होते थे इलेक्शन कमीशन जार, अगर उस समय वो होते तो इनको मुझे लगता है परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देते, और जो इनको सपोर्ट भी कर रहा है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर देते। अभद्र भाषा का हमेशा इन्होंने इस्तेमाल किया है आजम खान, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमेशा अपनी अभद्र भाषा की वजह से जाने जाते हैं, तो अब क्या इनके खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सेक्शन 500
और शायद सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी, उसमें इन पे मुकदमा दायर होना चाहिए। एफआईआर ऑलरेडी लॉज हो गई है, पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए इनको। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ये जो 48 और 72 घंटे का है ये नोटिस बिल्कुल लॉलीपॉप है, बाप बैठ गया तो बेटा शुरू हो गया। तो वो तो उनकी भाषा, बेटा भी वही बोल रहा है, वही जैसे अभी आपने कहा कि परिवार में वैसे ही गुण आएंगे जैसे वही उनके वैल्यूज हैं, वही उनका जैसे उनके पिताजी बोल रहे हैं ऐसे बच्चे भी बोलेंगे। तो ये एक प्रकार से एक देखा जाए तो गैंग्रीन समाज के अंदर एक जहर घुलने का ये परिवार काम कर रहा है। ओवैसी जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर अगर हम लोगों ने कड़ा कदम नहीं उठाया, मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि इनको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और इनके इलेक्शन को कम्प्लीटली नलीफाई कर देना चाहिए और उसके बाद जो भी प्रशासनिक कार्यवाही होनी चाहिए वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, डिजायर वर्ल्ड चैनल से जुड़ने के लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। और जितना इन्होंने बोला है कि आज आजम खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से भी ये दरखास्त करेंगे और बीजेपी के अंदर आने से जो एक जोश है लोगों के अंदर कि नेता से अभिनेता, तो मैंने बताया कि बहुत बनते हैं लेकिन अभिनेता से नेता की भूमिका को पूरा अच्छी तरीके से निभाने के लिए आज मुकेश त्यागी जी ने जो हमारे साथ अपना समय बिताया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आने वाले टाइम में वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर उभरेंगे और यूपी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन लोगों ने खराब की हुई है अपोजिशन ने, उसको ये ठीक करने में यूपी को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।